सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम प्रणाम नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विचार क्रांति में आज हम विचार करते हैं अपने जीवन से संबंधित, अपने आप को उभारने से संबंधित, क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत खुशी रहना चाहते हैं, कभी दुख ना आए हमारे जीवन में, हम हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दिन दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आती ही है, ये तो सृष्टि का नियम ही है। तो हम जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, दुख तो आएंगे, ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन इस दुख से हम पार कैसे जाएं, इस दुख से हम समाधान कैसे ढूंढें, हम दोनों स्थितियों में, सुख में भी और दुख में भी, दोनों में हम कैसे अपने आप को संभाल पाएं, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि अभी गर्मी जा रही है, सर्दी आने वाली है, अभी ये संधि काल चल रहा है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। तो गर्मी गई, अब सर्दी आ रही है, फिर इनकी जैसे षड ऋतुएं एक ना एक करके आती रहती हैं। लेकिन ये हमारे बस की तो बात नहीं है कि भी गर्मी में तो सब कुछ अच्छा था, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठंड भी नहीं लगती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो गर्मी ही बनी रहे, सर्दी ना आए, ऐसा तो हमारे बस में नहीं है। हम नहीं रोक सकते, वो तो आएगी, सभी ऋतुएं आएंगी, लेकिन सर्दी आएगी तो, लेकिन हम उसमें रोते नहीं है, हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारे माइंड सेट में वो पहले से, हमने माइंड सेट हमारा हो रखा है, हमने अपने मन को उस परिस्थिति के लिए, उस स्थिति के लिए अपने आप को हमने समझा दिया है कि अभी सर्दी आने वाली है, लेकिन उस सर्दी को हम तो नहीं रोक सकते। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए, हम सर्दी से कैसे बच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वस्त्र लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डाइट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रूम का वातावरण करते हैं। तो हम अपने में सुधार करते हैं, ना कि हम बाहर के वातावरण में। बाहर का वातावरण तो जैसे परिस्थिति आ रही है, जैसी स्थिति है, जैसी प्रकृति का नियम है, वो तो वैसी ही चलेगी, लेकिन इस प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। प्रकृति के साथ हम कैसे तालमेल मिला करके चल सकते हैं, हम वो वहां पर काम करते हैं। तो हम अपने जीवन में, हम अपने आप में कैसे सुधार करें, हम अपने आप को कैसे अच्छा बनाएं, हम अपने आप को बेटर कैसे बनाएं, यहां पर हमें बात करनी चाहिए। और जब हम ये सोचते हैं, हम ऐसे विचारों को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, तो फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आनंदमय हो जाता है। तो जैसे भी गर्मी गई, सर्दी आने वाली है, तो हम सर्दी आ रही है, हम रोते नहीं हैं, हम रोने के लिए नहीं बैठते, अरे सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वो ज्यादा कपड़े पहन लेता है, एक दो तीन चार पहन लेता है, हीटर लगा लेता है अपने रूम में, उससे हम बचाव करते हैं, उसी के अनुसार हम भोजन करते हैं जो हमें सर्दी से बचाते हैं। तो हम अपने आप को बचाने का हम खुद पर काम करते हैं, एक बात कही जाए सभी की, तो यानी कि हम खुद पर काम करते हैं। तो हमें अगर अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत ऊंचे लेके जाना है, तो हमें खुद पर काम करना होगा।
जैसे कि हम अभी रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमें बीमारियों से बचने के लिए हमें खुद पर काम करना है, ना कि हमें दूसरे पर, दूसरे का मतलब हमें डॉक्टर पर डिपेंड नहीं रहना। हमें अगर हमें मुख्य रूप से देखा जाए, अपने जीवन में झांका जाए, वास्तव में परिचय किया जाए, अपने आप को हम अरे जानकारी की जाए, तो हमें 95% डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए, हम अपनी जागरूकता से, हम अपने आत्मविश्वास से, हम अपने आत्म कॉन्फिडेंस से, जब हम आत्मसम्मान पूर्वक, जब हम अपने आप में, जब हमें कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर एकदम जज्बा होगा, जुनून होगा, पुरुषार्थ करने का जब हमारा स्वभाव होगा, तो देखना आपका शरीर अपने आप ही वैसे ही बनने लग जाएगा। क्योंकि मन आपके शरीर का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि शरीर कुछ और है, मन कुछ और है, जो हम हमारे शरीर का ही एक पार्ट मन है, एक सूक्ष्म मन है। तो हमारा मन जैसे हमसे काम करवाएगा, हमारा मन जैसे सोचेगा, हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो हमें बहाने ना बनाए कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं काम कर रहा। तो ये सारी चीजें हम मन पर पहले कंट्रोल करें। जब हमारा मन अपने आप में कंट्रोल में रहेगा, तो हमारा पूरा जीवन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन ये कहना और करने में तो बहुत अंतर है। एक बार किसी भक्त ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, मैं आपके वचनों को सुनता हूँ, मैं आपके सत्संगों को सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं आती, मैं हमेशा शांति को खोजता रहता हूँ, मैं हमेशा अशांत रहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उस भक्त को पता क्या उत्तर दिए? बोलते हैं कि तू कहाँ से आता है, तो अपना उसने स्थान बताया कि मैं उतनी दूर से आता हूँ, यहाँ से आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू अपने घर से और यहाँ तक एक पल में आ जाता है क्या, कैसे आता है? कि नहीं, एक पल में कैसे आऊंगा, मैं एक क्षण में कैसे आऊंगा, तो कभी कोई भी साधन मिलता है उस साधन से आता हूँ, कभी कोई साधन खोजता हूँ, कभी कहीं से अरेंज करता हूँ, साधनों से अरेंज करके आता हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा कि आपको आने में कितने घंटे लगते हैं? तो एक से दो, डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं। क्योंकि जब आपको अपने घर से आने में यहाँ तक डेढ़ से दो घंटे लगते हैं, और जब आप कोई ना कोई साधन खोज करके आप यहाँ तक पहुँच पाते हो, तो आप केवल मेरी बातों को सुनने से आपके जीवन में शांति कैसे आ जाएगी? केवल बातों को सुनने से नहीं आती, उन बातों को अपने जीवन में उतारने से आती है। तो ये बात हम कोई भी सुन ले, कोई भी पढ़ ले, कोई भी हमें बता दे, उससे हमारे जीवन में शांति नहीं आने वाली, उससे हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। उसको तो हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और उतारना यहीं से है कि हमें सर्वप्रथम अपने मन को स्थिर करना होगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल भी अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल भी स्थिर नहीं करते। पूरा दिन भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ लगे रहते हैं, यहाँ से भागे उधर, उधर से भागे उधर, इधर उधर। अगर हम कभी बैठ भी गए तो भी फोन में भागते रहते हैं, हम फोन को ही घुमाते रहते हैं, न जाने कितना कितने ऊपर पहुंचाते रहते हैं, रील्स घुमाते रहते हैं, वीडियो घुमाते रहते हैं। यानी कि हम शरीर से बैठ भी गए तो मन से हम अपने मन को शांति से नहीं बैठने देते। तो जब हम खुद उस पर काम नहीं कर रहे, उसको अपने आप में हम उतार नहीं रहे उसको जीवन में, तो शांति कहाँ से मिलने वाली है? तो हम सर्वप्रथम
कर हमें काम करना है, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाना है, तो सर्वप्रथम हमें जो काम करना होगा वो काम है मन को स्थिर रखना, मन को कंट्रोल में रखना। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल में करने की बात करते हैं कि हम उसको कंट्रोल में कर लूं, मैं उसको कंट्रोल में कर लूं, मैं उससे ये छीन लूं, मैं उससे वो छीन लूं, मैं उससे वो ले लूं, लेकिन हम सबको लेने के बजाय अगर हम खुद को पहले लेना सीखें, हम पहले खुद के मन को अगर कंट्रोल में करना सीखें, तो फिर हमारा सब कुछ कंट्रोल में होने लग जाएगा। तो हम एक एक इंसानियत की तरह, हम एक इंसान हैं, तो हमें सर्वप्रथम हमें अगर हम अपने मन को कंट्रोल में करेंगे तो हम एक अच्छे इंसान बनने जाएंगे। अगर जब हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। फिर चाहे बाहर की कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो, वो हम पर भारी नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां आएंगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, सभी कुछ आएगा, लेकिन हम अपने आप को बैलेंस बना करके रखेंगे। हम अपने मन को, हम अपने शरीर को बिल्कुल बैलेंस बना करके रखेंगे, समत्व में रखेंगे। इसी को कहा गया है योग में, समत्वम योग उच्चते। तो जब हम समत्व में रहते हैं तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर के लोग कैसे भी हमसे रिएक्ट करें, बाहर के लोग कैसे भी हमसे बात करें, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा भी तो उसको समाधान के लिए। ऐसा तो नहीं है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन उसमें हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारे मन में, हमारे शरीर में हम उलझन नहीं होनी चाहिए, हम दुख का पहाड़ नहीं टूटना चाहिए, हमें उसमें समाधान खोजना चाहिए। कहते हैं सभी लोग, आप लोगों ने भी सुनते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ बातें होती हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ डांट देता है, तो अगर हम किसी से कुछ बातें बोल देते हैं तो हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मन हल्का कब होगा? जैसे एक कोई बहन लड़की अपने ससुराल से अपने मायके आती है, और वो ससुराल के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बातें बोलती है, या कि उसके साथ बहुत कुछ गलत किया जाता है, बहुत कुछ अत्याचार होता है, तो मायके में अपने घर परिवार वालों से, माता पिता से बहुत कुछ बताती है कि ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, सास ऐसे कर रही है, ससुर ऐसा कर रहा है, देवर ऐसा कर रहा है, बहुत कुछ, सब कुछ ऐसा हो रहा है। घर वाले भी, उसके माता पिता भाई जितने भी हैं, अरे बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो तो ऐसी खराब है, वो तो ऐसी दुष्ट है, वो क्या है क्या है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। फिर क्या हुआ, सब कुछ बोल करके, सब कुछ कह करके, और फिर कहेंगे बहन जाना तो उसी घर में ही है, और जाकर के उसी घर में रहो। तो ये समस्याओं को आपने शेयर किया, बोला, सब कुछ किया, लेकिन इसमें समाधान तो नहीं निकला ना। समाधान, आपको कोई समस्या हो रही है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, उसमें समस्या का समाधान क्या हो सकता है? कि ठीक है, जो भी घर पे हो रहा, ससुराल पे जो भी हो रहा है, घर में जैसी भी परिस्थिति हो रही है, लेकिन उस परिस्थिति पे मुझे क्या करना है, मुझे कैसे उस परिस्थिति को समाधान करना है, उस समाधान पर कैसे मुझे गहराई तक जाना है, तब तो आपका मन हल्का होगा। अगर आप केवल समस्या पर काम करेंगे, केवल समस्याओं को ही बोलेंगे, तो उसमें आपका मन हल्का नहीं होगा, ना वो आपका समाधान मिलेगा आपको। तो जब आपको समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आपका मन खुशी नहीं होगा, तो आपको जब का मन खुश नहीं होगा तो आपको आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी, और आपका जीवन भी बहुत दुखी हो जाएगा, आपका जीवन भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम दूसरे पर डिपेंड ना रहें,
हमें खुद पर। भगवान ने हमें इस शरीर को इतना अच्छा बना करके दिया है कि दुनिया में कभी कोई मशीन इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा बना करके दिया है। और हम सबको, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी को एक यूनिक बनाया है। हर एक प्राणी को कभी किसी से की तरह नहीं बनाया, मुझे किसी और की तरह नहीं बनाया, या आपको किसी और की तरह नहीं बनाया, आपको मेरे तरह नहीं बनाया और ना मेरे को आपकी तरह बनाया। मेरे से तो हम अपने आप से किसी और को कंपेयर क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम उससे कंपेयर करते, वो उसके पास में ये गुण है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास में ये गुण है तो मेरे पास क्यों नहीं है। नहीं, आपके पास में जो है वो और किसी के पास नहीं है। तो हम अपने आत्म सम्मान को कभी ना खोएं। अगर हम आत्म सम्मान में जिएंगे, अगर आत्म सम्मान में अगर हम रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके, आपको आनंद आपका छीन सके। तो अपने आप में गर्व करना सीखें, हम अपने आप में आत्म सम्मान करना सीखें, अपने आप को एप्रिसिएट करना सीखें। जब हम ऐसे काम करेंगे, जब हम खुद पे काम करेंगे, तब हम जाके दुनिया पे काम कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, खुद को तो खाली छोड़ रखा है, खुद को के अंदर तो कुछ हम देख नहीं पा रहे। भगवान ने इतना लबालब भर करके दिया है हमें, फिर भी हम बाहर हाथ फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। तो सर्वप्रथम हमें जो आनंद चाहिए, सर्वप्रथम अगर हमें सुखी चाहिए, हम सुखी होना चाहते हैं, तो हम अपने आप को पहचानना सीखें। हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई भी इतनी ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सके। कोई बाहर की परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो सकती। जैसे मैंने एक साधारण सा ही प्रारंभ में ये बोला था कि मौसम चेंज हो रहा है, अभी गर्मी थी, अब सर्दी आएगी, सभी ऋतुओं आती रहती है, बरसात आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हम बाहर की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। लेकिन इस प्रकृति के नियम से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसका जरूर प्रयास करते हैं और उसी में हम खुश रहते, बिल्कुल आनंद में रहते हैं। तो हम वैसी ही परिस्थितियों से, हम बाहर की परिस्थितियों से, हम बाहर व्यक्तियों से भी हम वैसी ही परिस्थितियों को बना करके रखें, हम अपने आप को भर करके रखें। हम अपने आप के, जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, जब हम अपने आप को आत्म सम्मान देते हैं, जब हम अपने आप को उपदेश देते हैं, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल होता है, लेकिन काम वो कभी नहीं आने वाला हमारे। दूसरे को उपदेश देना वो दूसरे के ही काम आएगा, अगर वो लेना चाहेगा तो। अगर हम किसी दूसरे को उपदेश देते हैं, वो लेगा तो उसके काम आएगा, नहीं लेगा तो नहीं काम आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले हमें खुद को उपदेश देना चाहिए। तो काम कहाँ से शुरू करना है, अपने मन से, क्योंकि ये मन जो है ना, बहुत कुछ हमें करवा भी लेता है और बहुत कुछ धक्के भी खिला देता है। ये मन हमें कहीं ना कहीं ले जा करके गिरा भी देता है। अगर हम इस मन को कंट्रोल में नहीं किए ना, तो ये हमें कुछ भी हमसे करवा सकता है और ये हमें धोखे भी खिला सकता है, ये हमें कहीं गर्त में भी ले जाके गिरा सकता है। तो सर्वप्रथम हमें इसको, मन को कंट्रोल में रखना है। अब हम कैसे कंट्रोल में रखें, यानी कि जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए सार्थक है, कारगर है, वही हमें करना है। जैसे कि अगर हमें सर्वप्रथम खाना, भोजन,
हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई त्योहार होता है, कहीं पार्टी होती है, कोई खुशी का माहौल होता है, कोई जश्न का माहौल होता है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। पार्टी दो, भोजन, खाना, कहीं जाते भी हैं तो खाना। तो हमेशा हम खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें यहाँ पर कैसे काम करना है? अगर हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, अगर जो वस्तु, जो भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन बहुत चंचल होगा, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो अगर कोई भी चीज ऐसी है, भोजन की कोई ऐसा कोई पदार्थ है जो हमारे, हमें पता है कि हमारे स्वास्थ्य के को हानि पहुंचा सकती है, फिर भी अगर मन हमारा काबू में नहीं है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, तो हम खा लेंगे और हमें वो खिला देगा। हमारा मन हमें खिला देगा और कहेगा, आज ही हमें अंदर ही प्रश्न और उत्तर का समाधान भी कर देगा वो। अरे आज की तो बात है, एक दिन की तो बात है, एक में से कुछ नहीं होता, खा लेते हैं। तो जब हम ऐसे, यहीं से अपने आप को चेक करना है, चेक यहीं से करना है अपने आप को। जब हम यहां से चेक करना शुरू करते हैं, यहां से अपने मन को कंट्रोल में करो, जब हम यहां से कंट्रोल करते हैं ना, तो फिर देखना आपका जीवन इतना सुखमय, इतना आनंदमय, इतना जीवन उच्चतम बनेगा, जो एक इंसान का इंसानियत होनी चाहिए, जो एक इंसान के अंदर इंसानियत का भाव होना चाहिए, वो आपको, आप जब आप में आत्मसम्मान फिर आएगा, जब आप में आत्मसम्मान आएगा, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और फिर आपको कभी भी किसी से शिकायत नहीं होगी कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। जिसके अंदर आत्मसम्मान होता है, जिसका मन अपने कंट्रोल में होता है, वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। तो हमारा जीवन यहीं से बिगड़ता है। तो जैसे कि कहीं पर पार्टी है, कहीं पर कुछ त्योहार है, अच्छा भोजन है, तो वहीं से अपने मन को चेक करो कि क्या यहाँ पर, क्या कैसी स्थिति हो रही है मेरी। बहुत सारे पकवान रखे हैं, लेकिन उन पकवानों में से, उन व्यंजनों में से आपको उसी पदार्थ को खाना है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जो आपके स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो जब यहां से आपका मन थोड़ा सा विचलित भी होगा, अगर आप हमेशा मन की बातें कर रहे होंगे, अपने मन की बातों को मान रहे होंगे, आपका मन कहा ये खाना है खा लिया, वो खाना है खा लिया, आप ये यहाँ घूमने जाना वहां चले गए, इसको ये बोलना है बोल दिए, जब ऐसे हम जब अपने मन के अनुसार करने लग जाते हैं, तो फिर ये मन हमारे पर हावी होने लग जाता है और एक न एक दिन हमें ले जा करके गर्त में धकेल देता है। और फिर हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं, उधर से सुख मिल जाए, उधर से सुख मिल जाए, उधर से आनंद मिल जाए, जो कि नहीं मिलने वाला। तो हमें सर्वप्रथम अपने आप में कंट्रोल में करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि हम सभी के अंदर, मैंने कहा जैसे कि भगवान ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे रखा है, इस शरीर रूपी, इस मन रूपी, इस आत्मा रूपी, हमें इतना बेहतरीन गिफ्ट दे रखा है कि जो कि किसी और को नहीं दे रखा। हम मनुष्यों को इतना बड़ा उपहार, तो इस उपहार को हम संभाल करके रखें, इस उपहार की हम इज्जत करें, इस उपहार की हम कीमत को समझें। और जब हम समझेंगे और उसमें जो यंत्र ये मन है, ये इस मन को जब हम कंट्रोल में रखेंगे कि हमें कैसे इसको काम करवाना है, इसको हम कैसे, हमें इसको चलाना है, तो फिर आप देखेंगे आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको समस्या का सामना नहीं, उस समस्या में आपको समाधान मिलेगा। आज जब हमें समस्याओं में समाधान ढूंढने की आदत हो जाएगी, तो फिर हमें कभी कोई परेशान नहीं कर सकता, ना किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो हमें परेशान कर सके, जो हमें दुखी कर सके। हम दुखी खुद के अपने व्यवहार से होते हैं, और हम
जब हम हर एक परिस्थिति में, जैसे सर्दी आ रही है तो हम उसका समाधान वस्त्र में ढूंढ लेते हैं, उसका समाधान हम हीटर में ढूंढ लेते हैं, उसका समाधान हम गर्म चीज़ों को खाने में ढूंढ लेते हैं, वैसे ही दुनिया की हर एक परिस्थिति का, हर एक समस्याओं का हम समाधान ढूंढ लेंगे और हमेशा हमारा जीवन बहुत आगे जाएगा, बहुत उन्नति हो जाएगी और हम जीवन में हमेशा आनंद में रहेंगे। ओम नमस्ते।